सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उत्तर भारत में मानसून ने धमाकेदार एंट्री ली है। मानसून की बारिश इतनी जबरदस्त हो रही है कि अब इसने आफत का रूप ले लिया है। देश की राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार शाम को ही दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। रविवार सुबह 6 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.44 मीटर तक पहुंच गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर 3 बजे तक ये 205.65 मीटर तक पहुंच जाएगा। रविवार शाम तक दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने का खतरा है। हरियाणा के हथनी कुंड से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शनिवार देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बाढ़ से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया। दिल्ली में बाढ़ से बचाव की तैयारियां चल रही हैं। यमुना से सटे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन हथनी कुंड से छोड़े गए पानी से बाढ़ का ट्रेलर दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर यमुना नगर में दिखा। वहां के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। अब प्रशासन लोगों को यमुना से दूर रहने के लिए सतर्क कर रहा है। दरअसल हथनी कुंड और दिल्ली के बीच यमुना नगर पड़ता है, जहां बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। अब दिल्ली ये पानी पहुंचेगा तो राजधानी के निचले इलाकों का भी हाल बिल्कुल यमुना नगर जैसा ही होने की आशंका है। हथनी कुंड से निकलने वाले पानी का प्रकोप यमुना नगर में तैनात अफसरों को भी झेलना पड़ा। बाढ़ का जायजा लेने निकले जिला विकास और पंचायत अधिकारी की गाड़ी पानी ज्यादा होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। बाढ़ की वजह से यमुना नगर के ज्यादातर इलाकों में लोग घर की छतों पर आसरा लेने को मजबूर हैं। प्रशासन ने भी मुनादी करवा कर लोगों को यमुना की लहरों से दूर रहने के लिए कहा है। न्यूज़ टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।